सो हेलो गाइस, मैं नाम है दिपजीत और आप लोग देख रहे हैं दिपटेक। सो गाइस, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई तू तेरा ये सब्सक्राइब एंड बेल एनिमेशन इसको तूने कैसे बनाया है या फिर अपने वीडियो में ये तू कैसे ऐड करता है। और गाइस, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि इंस्टाग्राम वाला जो एनिमेशन इसको तूने कैसे बनाया है। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस तरह का एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। आप लोगों को जो है कोई पीसी की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है एंड्रॉयड फ़ोन से ही बहुत ही अच्छी तरह से ये सब बना सकते हैं। और गाइस, ये सब छोड़ के जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जो है सारे अपडेट्स सबसे पहले देता हूँ। और ये सब छोड़ के शायद आप लोगों को पता होगा, अभी मैं जो एल्बम वीडियोज़ बना रहा हूँ तो उसका जो बिहाइंड द सीन्स है और जो भी है सारा कुछ मैं जो है इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ। तो जिन्होंने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत है काइन मास्टर एंड दो ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार, पहले यहाँ पर आप लोगों करना क्या है, पहले आप लोगों को काइन मास्टर को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर। एंड गाइस, यहाँ से आप लोगों को जो है 16:9 का जो रेशियो है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग क्लिक करना है मीडिया के ऊपर। एंड गाइस, यहाँ से आप लोगों को एक ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को सब्सक्राइब वाला बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा आगे आना है। एंड उसके बाद आप लोगों को जाना है लेयर पे। एंड गाइस, यहाँ से आप लोगों को जो है आपका जो चैनल का लोगो है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये रहा मेरा चैनल का लोगो। तो यहाँ पर आप लोगों को जो थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पर आप लोगों को जो सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो है सेट कर दिया है। उसके बाद आप लोग करना क्या है, आप लोगों को जो इसको आगे तक ले आना है। एंड उसके बाद आप लोगों को ले मतलब लोगों के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को जाना है इन एनिमेशन पे। एंड यहाँ पर आप लोगों को जो है स्लाइड अप वाला जो एनिमेशन है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैच हो गया है। और अगर आप लोगों का मैच नहीं होता है तो आप लोग जो है फिर से इन एनिमेशन में जाके इसका स्पीड को थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा करके आप लोग जो है इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और कम करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल का लोगो पहले ही यहाँ पर हाजिर हो जा रहा है। तो इसके लिए मुझे इस एनिमेशन का स्पीड 1.0 ही रखना होगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। सो गाइस, ये जो हो गया है। तो अभी मुझे यहाँ पर ऐड करना है इस चैनल का नाम। तो चैनल का नाम ऐड करने के लिए आप लोगों को जाना है लेयर पे। उसके बाद आप लोग क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोगों का चैनल का जो नाम है वो यहाँ पर टाइप करना है। और आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब थोड़ा सा पहले आप लोगों को एडजस्ट करना है, उसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। एंड इसका जो शैडो है उसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। उसके बाद आप लोगों को चले जाना है एकदम ऊपर फॉन्ट में। एंड इसका फॉन्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड है। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसका जो कलर है उसको मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। तो यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हो गया है। तो इसका भी जो एनिमेशन है वो आप लोगों को जो है स्लाइड अप ही रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्लाइड अप कर देता हूँ और इसको भी जो मैं एकदम आगे तक ले आता हूँ। तो यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैच हो गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग करना क्या है, अभी आप लोगों को जो है बाकी जो हिस्सा है इस लेयर का उसको यहाँ पर आप लोगों को जो कट कर देना है। तो यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। तो हो गया। तो अभी आप लोगों को जो इसका आउट एनिमेशन देना है स्लाइड डाउन। तो स्लाइड डाउन, इसका भी स्लाइड डाउन। तो यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्लाइड डाउन करने के बाद ये जो है एकदम पूरा का पूरा मैच हो गया है। तो इस तरह से जो है आप लोग सब्सक्राइब एंड बेल एनिमेशन बना सकते हैं, बहुत इजी है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम एनिमेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पहले मीडिया में जाके इंस्टाग्राम का जो एनिमेशन है उसको यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद आप लोगों को लेयर पर जाके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पर टाइप करना है। तो टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोग करना है ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक फॉन्ट चूज़ करना है, फॉन्ट चूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आप लोगों को कलर सिलेक्ट करना है ब्लैक। आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसका जो शैडो है उसको ऑफ कर देना है। एंड उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा आगे तक ले आना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोगों को जो इसको एकदम आगे तक ले आना है। एंड उसके बाद इसका जो बाकी हिस्सा है उसको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो ये हो गया। तो अभी आप लोगों को इसका इन एनिमेशन को सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों को जाना है इन एनिमेशन पे। एंड यहाँ से जो है आप लोगों को स्लाइड राइट जो है उसको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो ये हो गया। तो अभी इसका जो आउट एनिमेशन है वो आप लोगों को स्लाइड लेफ्ट कर देना है।
तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैच हो गया है, बहुत इजी है बनाना। सो गाइस आप लोग ट्राई कीजिए, आई होप कि आप लोगों का ये बन जाएगा। तो इसको सेव करने के लिए आप लोगों को सिंपली सीआर के ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो है आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और गाइस बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि ग्रीन स्क्रीन वीडियोज़, एनिमेशन या फिर कुछ भी वीडियो में कैसे यूज़ करें। तो यार इसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को कोई भी एक वीडियो के लेयर पे जाना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है मीडिया पे। एंड गाइस यहाँ से आप लोगों को जो कोई भी ग्रीन स्क्रीन का कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो है इस एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैंने अभी बनाया। एंड गाइस अभी आप लोगों को जाना है क्रोमा की में, एंड इसको जो है आप लोगों को इनेबल कर देना है। तो यार इनेबल करने के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं पीछे का जो ग्रीन स्क्रीन मतलब जो ग्रीन बैकग्राउंड था वो जो हट गया है। और अभी आप लोग जो इसको एडजस्ट करके कई बार भी सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो आप लोग ग्रीन स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन है ना उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और गाइज संडे के लिए मतलब जो प्रैंक कॉल्स मैं करता हूँ उसके लिए मुझे नंबर चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं कि मुझे भी कॉल आए तो आप लोग जो है आपका नंबर मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं सबको कॉल नहीं कर पाऊँगा, तो भी मतलब आप लोग नंबर दे सकते हैं, मतलब अगर हो पाए तो मैं करूँगा जितना तक हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।